हे गाइस, दिस इज अभिजीत चौधरी। वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, आज जाके हमारे इस फिश पॉन्ड का मतलब मुझे मरम्मत करना है। जैसे कि मैं तुम लोगों को बहुत पहले बताया था कि मुझे इसके अंदर पेंट करना है, एंड हमारा जो DIY फिल्टर वो भी खराब हो चुका है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। देख सकते हो पूरा वाटर लेवल कम हो चुका है, एंड ये देख सकते हो तुम लोग वाटर कैबेज का ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, जैसे कि तुम लोग दिख रहा हो मेरे फेस पे, भाई आंखें दिख रही है। डायरेक्ट सनलाइट के कारण बहुत अच्छा सा ग्रोथ हुआ है, एंड मैं इसको ऐसे रखने वाला हूँ, मतलब इसमें मैं ऐसे ही उगाऊंगा, ग्रो करूंगा, ताकि फिर इसको हाइडिंग स्पेस मिलता रहे। बाकी अभी मैं इसमें से सारी फीचर्स को निकाल लेता हूँ इस टब में, देखो तो टब ले आया हूँ। उसके बाद फिर अभी इन लोगों को मैं एक दिन अलग ही रखूंगा और इसमें पेंट करूंगा। जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब फिर इसके वापस से रिलीज करेंगे। तो चलो पहले मैं फिशेस को पकड़ लेता हूँ, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे फिशेस को निकाल लिया है। देख सकते हो वाटर को कम कर दिया, पूरा थोड़ा सा ही बचा है। अभी ये जो तुम लोगों को एलगे दिख रहा है सब साफ करना है। और ये देख सकते हो, ये रही हमारी सभी फिशेस, एंड देख सकते हो फिशेस की क्वांटिटी तुम लोगों को कम दिख रही होगी। कुछ फिशेस की डेथ हुई है गाइस, क्योंकि देखो यार मेरी भी इसमें थोड़ी सी गलती है, मैं सही टाइम पर मेंटेनेंस कर नहीं पाया। और जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा मैं बीमार चल रहा हूँ थोड़ा सा, इसीलिए। तो चलो जल्दी जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, जो होना था वो तो चुका है, अब इनको तो सही से रखना पड़ेगा। और अभी मैं इनको आज टेम्परेली ये इसी टब में रहेंगे, अभी इसमें एयर पंप लगा दूंगा, मैं इनको नीचे ले जाऊंगा, नीचे रहेंगे। बाकी आज शाम होने से पहले मुझे इस फिश पॉन्ड को पूरा कलर करना है, इसको साफ करके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए। और तुम लोगों को एक और चीज़ बता दूंगा, इसमें एप्पल स्नेल भी छोड़ा था, ये देख सकते हो। एंड गैस इसकी भी डेथ हो गई, पता नहीं कैसे, देख सकते हो। तो मुझे अब नया एप्पल स्नेल भी लाना होगा। तो फटाक से चलो मैं पहले सब एलगे को साफ कर लेता हूँ, फिर तुम लोग को मिलता हूँ पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद, देन फिर तुम लोग को भी पेंट करके तब दिखाता हूँ। एंड ये देख ही सकते हो, ये रहा हमारा फिल्टर का बॉक्स। तो ये तो अब किसी काम का नहीं रहा, इससे हम लोग कुछ और प्लांट लगा देंगे या फिर जो भी कुछ होगा। बाकी देख सकते हो मोटर, आई होप मोटर ठीक होगा इसका, जो कूलर वाला मोटर दिख रहा नीचे, तो इसी से मतलब हम लोग देखो दिख रहा तुम लोग को, ये गमला मैं आज लेके आया, उसमें अभी प्लांट रखे हैं, इसी का मैं बनाने वाला हूँ फिल्टर। ये मुझे 80 रुपये का मिला था। बाकी इसके अंदर जो मैं लगाऊंगा वो सब तुम लोगों को अभी दिखा दूंगा, मतलब आगे ब्लॉग से पता चल जाएगा, क्योंकि आज ही की वीडियो में पूरा हो नहीं पाएगा सब कुछ, डेली ब्लॉग्स तो आएंगे ही, बाकी शॉर्ट वीडियो है उस सब में पता चल ही जाएगा। ओके गाइस, तो इसको साफ करने के बाद में मिलता हूँ। तो मैंने एलगी को साफ करने के लिए कुछ ये लिया है, देख सकते हो इसे दो दीवार में ऐसे पुट्टी लगाया जाता है, POP इसी से किया जाता है। तो ये देख सकते हो साफ भी है, इसके मदद से ये आराम से जो एलगी दिख रहा है छूट जाएगा, देख सकते हो छूट भी रहा है। तो इसी की मदद से पूरा साफ करके मिलता हूँ, क्योंकि ट्राईपॉड तो मेरा ख़राब हो चुका है और कोई सूट करने के लिए है नहीं, अकेले ही मुझे करना पड़ेगा। तो फ़ोन में अभी बंद कर दे रहा हूँ, पूरा साफ कर ले रहा हूँ, दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, फिर मिलते हैं। तो देख सकते हो गैस, मैंने फ्रिज बॉक्स तो क्लीन कर दिया है, एंड जो ये देखने में इतना आसान लग रहा था भाई, इतना आसान था नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था भाई। क्लीन करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई, तुम लोगों को दिख रहा होगा एकदम, भाई पसीने छूट गए, कम से कम आधे घंटे से मैं इसमें लगा हुआ था, हाथ दर्द होने लगे हैं। और भाई इसकी बदबू तो मैं क्या ही बताऊँ, छी 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 भाई, पूरा देख सकते हो पूरा छत पे एलगे पूरा फैल गया है, जो गंदी मची, इसको पूरा साफ़ करना पड़ेगा फिनाइल डाल के, नहीं तो इसकी बदबू जाएगी भी नहीं। और पहले मैं पेंट करने से पहले इसके अंदर मैं इनको जा रहा हूँ नीचे रखने एयर पंप लगा के, देख सकते हो इनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, लोग ऊपर आके ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जल्दी से इनको एयर पंप लगा के मैं नीचे रख आता हूँ, उसके बाद फिर पेंट करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो हमारा पेंट आ चुका है और चलो जल्दी से इसको पेंट करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा महंगा पेंट है, देख सकते हो ब्लू कलर का पेंट है, जैसे कि तुमने बोला था कि ब्लू कलर का पेंट करना, और मैं भी सोच ही रहा था कि ब्लू कलर का ही करूँगा, 400 रुपये का भाई पेंट पर, इतने तो फीस आ जाती। तो चलो फटाक से मैं पहले इसको पेंट कर लेता हूँ, फिर मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि कोई सूट करने वाला नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है, पूरा क्लीन भी करना पड़ा, और अभी फिर इसका भी कुछ करेंगे ही। तो भाई मैं इस काम में बहुत ज़्यादा नूबू, अभी मैंने पापा के पास कॉल करके पूछा था कि कैसे करना है, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब ऑयल को इसमें मिलाना है, और ज़्यादा नहीं मिलाना, थोड़ा सा ही मिलाना होता है, जिससे ब्रश इसमें अच्छे से होए। और देख सकते हो भाई कुछ तो रिएक्शन हो रहा है इसमें, अजीब सा, देखने में कूल भी लग रहा है, पता नहीं क्या भी जो भी हो रहा है, जल्दी से अभी पेंट करके देखते हैं। ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हो जैसे कि हमारा फिश पॉन्ड अच्छे से पूरा पेंट हो चुका है, पूरा ब्लू कलर का, और अभी इसको सूखने में लगेगा टाइम, यानी कि अब कल तक हम लोग को छोड़ना पड़ेगा इसको, और दोपहर की गर्मी में पूरा सूख जाएगा, यानी कि जब हम लोग इसमें वापस से पानी फिल करेंगे, तो पानी को फिल करने से पहले इसको पूरा वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद फिर पानी फिल करेंगे, तो तब तक शाम हो जाएगा, तो कब तक का वेट करेंगे। बाकी देख सकते हो छत तो क्लीन हो चुका है। एंड गाइस, ये रहा हमारा छोटा सा अपडेट ड्रम फिश पॉन्ड का, देख सकते हो पूरा क्लियर हो चुका है, पानी एकदम नीचे तक सब कुछ साफ दिख रहा है इसमें। और देख ही सकते हो हमारे लोटस के प्लांट अभी नीचे से बहुत सारे आ रहे हैं, अभी मैं इसमें कोई फिश नहीं डाल रहा हूँ, मैं कल गया था नखा, तो मैंने वहाँ पे गप्पीज़ देखी थी, मैं सोच रहा हूँ कुछ मिक्स गप्पीज़ लाऊंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी ज़्यादा अच्छा स्टॉक नहीं आया था, हेल्थी गप्पीज़ का स्टॉक नहीं आया था, जब अभी नया स्टॉक आएगा हेल्थी गप्पीज़ का स्टॉक, जो कि हेल्थी भी रहेंगे और चीप भी मिलते हैं, 10-10 रुपये का मिल जाते हैं, तब मैं लेके आऊँगा मेल फीमेल कम से कम 100 रुपये के, यानी कि 10 गप्पीज़ तो मैं लेके ही आऊँगा, 10 से 20 गप्पीज़, और इसमें छोड़ दूंगा, बढ़िया ब्रीडिंग भी होता रहेगा और चलते अच्छा चलेगा भी इसमें। बाकी ये देख सकते हो ये हमारा फिश पॉन्ड तो एक है ही, बाकी ये तो रेडी हो ही रहा है, बाकी मेरे पास और भी हैं दो,
तो इसके अंदर भी जहाँ तक मुझे थोड़ा सा मरम्मत करना पड़ेगा, नीचे तुम लोगों को क्रैक दिख रहा होगा, यहाँ पे सीमेंट लगाना पड़ेगा। तो इन सब में अब मैं ब्रीड कराने वाला हूँ गपीस। आज मैं गपीस भी ऑर्डर कर दूंगा, यानी कि जब तुम लोग वीडियो देख रहे होगे ये वाला एडिट होने के बाद, तब तक मेरी गपीस ऑर्डर हो भी चुकी होंगी। एंड गाइस देख सकते हैं इस स्टोन में एल्गी कितना अच्छे से लगा था, लेकिन पानी से बाहर मैंने निकाल दिया और धूप पड़ने से पूरा सूख गया। वापस से पानी डालेंगे तो ठीक हो जाएगा। जब मैं प्लांटेस सेटअप करूंगा तो मैं इस पूरे स्टोन को उठा के उसी टैंक के अंदर रख दूंगा, काफ़ी अच्छा नेचुरल सा लुक देगा। और ये पॉट देख ही सकते हो जो मैं लेके आया हूँ 80 रुपये का। तो इसको फिश मतलब फिश पॉन्ड में फ़िल्टर बनाना है। अभी मैंने इसमें टेम्परली इसमें रख दिया है ये वाटर कैबेजेस। अभी इसके अंदर जो भी मुझे लगाना मटेरियल वो सब लेके आऊँगा, तब मैं उसका वीडियो बनाऊँगा फ़िल्टर बनाते समय। एंड फिर वापस इसी जगह पे सेटअप कर देंगे हम लोग। तो आज का काम तो खत्म हुआ दोस्तों, मिलते हैं कल जब पूरा इसमें कुछ करेंगे तब, ठीक है। तब तक के लिए तुम चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। जैसे कि मैंने बहुत पहले से सब हाइप बना रखा था, ठीक है, तो धीरे धीरे करके आएगा। मिलते हैं कल, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी अपडेट चाहिए तुम लोग को इंस्टाग्राम पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। मेरे अदर चैनल्स भी हैं तो उन सबको भी सब्सक्राइब कर लेना। अप्रैल से मैं उन सब पर भी एक्टिव हो जाऊँगा, इस चैनल से ज़्यादा, और इस चैनल से ज़्यादा अच्छा कंटेंट तुम्हें उस दूसरे वाले चैनल्स पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।